व्हाट इज अप गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। टुडे इज 19 नवंबर 2021 और आज हम बाइक का थोड़ा सर्विसिंग और वर्विसिंग करवाएंगे। थोड़ा भी दिक्कत दे रहा है, तो इससे पहले आप हमारा बाइक देखें। I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. तो भाई लोग अभी थोड़ा साफ करके आते हैं। 'Cause I need to learn to forget. भाई सब बाइक जब भी चलाते हैं ना भाई, वो मज़ा जो है, जो टू स्ट्रोक चलाने में मज़ा आता है, फुल मज़ा वो इसी में ही है। अब ये बाइक के बारे में कुछ बता देते हैं। भाई ये बाइक हमने 24, ये पूरा फर्स्ट हैंड बाइक है, 24 साल हो गए, एक बार भी इंजन विंजन कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। ये उस टाइम पे इसको नो प्रॉब्लम बाइक बोला जाता था, बहुत ही खतरनाक है भाई बाइक। वाओ, सुजुकी समुराई, यो भाई, नो प्रॉब्लम, व्हाट अबाउट द पावर पिकअप, नो प्रॉब्लम, या एंड माइलेज गुड, हां नो प्रॉब्लम, ओ कैनेटिकल स्मॉल टेस्ट राइड, या नो प्रॉब्लम, हे थैंक्स, या व्हाट Stop! My bike! Hey, who's that guy? Who took my bike? No problem! Suzuki Samurai! No problem! Suzuki Samurai, the no problem bike. और हमने बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे ख्याल से क्या ना, उसका जो पेट्रोल का जो ये रहता है वॉल, उधर से लीक हो रहा है थोड़ा सा पेट्रोल। और देखो, देख सकते हैं आप यहाँ पर पेट्रोल के मार्क्स पूरे। ये पूरा काम ये 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 छोटू बाबू कर रहा है। इसको थोड़ा दिखाएंगे क्या है दिक्कत, हो सके तो शायद थोड़ा क्लच पेट भी दिखाएंगे। देखो थोड़ा लूज़ हो रहा है। इसी के साथ मिलते हैं शॉप में। हाँ गाइस, अगर आपको आवाज़ सुनना है तो ये लो। बस गाइस अभी अपन चलते हैं शॉप में। भाई लोग अभी अपन शॉप में आ गए हैं। गाड़ी देखो भाई, एकदम फर्स्ट हैंड है, 24 साल हो गया है, 24 या 22 साल हो गया है भाई, गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ है। अभी एक बार चेकअप करा लेते हैं, एक बार कैसा है क्लच पेट सब सही है कि नहीं। थोड़ा दिक्कत हो गया था, एक प्रॉब्लम टूटेल नहीं है गाड़ी में। हाँ, गाड़ी का साउंड बढ़ पूरा भरे अंकल, पीछे जो रिजर्वायर है ना, आना भी चाहिए। अच्छा ऐसा भी है क्या? एक बार देख लो ना, एक बार देख लो। हाँ काम नहीं किया। हाँ तो यहाँ पे जो धुआं दे रहा है ना, वो बंद हो जाएगा। अगर बंद हो जाएगा, टूटी आयल नहीं जला, तो टूटी आयल अगर नहीं जा रहा है, डला है। हाँ डला है, नहीं जा रहा है, नहीं पहुँच रहा है, तो धुआं नहीं आएगा, बंद हो जाएगा। मतलब अभी चल जा रहा है, चला लो। हाँ चला लो धुआं। अभी क्या है, मंगाऊँ क्या, इसे मैं डालना पड़ेगा। हाँ डालो अंकल, कोई दिक्कत, कितना लगेगा वो? हाँ वो कितना वो आएगा तब पता चलेगा। अच्छा क्योंकि अभी वहाँ गया है ना, आ जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा। उसका ये वॉल्व खराब हुआ है कि उधर ओ रिंग रहता है वैसा टाइप? पूरा कंप्लीट लगेगा, यहाँ रिपीट रहता है ना, रिपीट निकल गया ना। अच्छा ऐसा है क्या? गाइस अभी ये हुआ है कांड, थोड़ा चलाना अच्छा सीखना पड़ेगा। चाबी अभी तो सब सही चल रहा है। पेट्रोल हमने तो निकाला है थोड़ा, मतलब क्योंकि ना देखो दिखाता हूँ इसको, पेट्रोल ना भाई, जैसे इसका ना ऊपर यार इंच करूँगा ना, तो पेट्रोल टप 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 टप। आप यहाँ 5-10 मिनट के बाद अपन वापस आएंगे, फिर देखना यहाँ पर बहुत सारा ना पेट्रोल का वो रहेगा। आप ऑलरेडी पेट्रोल का पैचेस यहाँ देख सकते हो। और एक
गाड़ियाँ दिखाते रहोगे तो आप गाड़ी के बारे में सीखते रहोगे कुछ ना कुछ। तो आपके जैसे कुछ भी सर्विसिंग है खुद करना कोशिश करें, ताकि कुछ आइडिया हो आपको भी क्या है, फिल्टर कैसे चेंज करना है, टूटी ऑयल कैसे डालना है। अब ये तो टू स्ट्रोक इंजन गाड़ी है, अब ये तो कहाँ गया, हाँ ये रहा, अब ये तो टू स्ट्रोक वाली गाड़ी है तो इसमें टूटी ऑयल डाल सकते हैं। अंकल अगर अपन जैसे मशीन नहीं चला है तो कैसे कितना डालते हैं टूटी ऑयल टंकी से? 20 ml डालते हैं ना, दो हाँ, पैकेट, दो हाँ, पाउच, दो पाउच ना, दो पाउच मतलब कितने ml के उसी हिसाब से रहेगा। अच्छा 20 ml, उसमें आप पाउच ही काउंटिंग नहीं करोगे। हाँ हाँ भाई, 10 ml का भी आता है, 20 ml का भी आता है। अच्छा, जो है 20 ml डालने का मतलब यूट्यूब में। हाँ तो थोड़ा सिखाएंगे सबको भी भैया, आप खुद पहले अच्छा साफ। अभी ये हुआ है प्लान कि जो टैप रहता है, फ्यूल टैप बोलते हैं शायद भैया लोग, वो अभी नया लगेगा उसमें, पुराना वाला तो ओरिजिनल तो रखेंगे ही। और ये क्या मैनुअल का अलग रहता है और इसका अलग रहता है। गाड़ी भी साफ़ होता है एकदम बेहतरीन से, गाड़ी देखो एकदम फुल अच्छे से साफ़ होता है। पूरा पैनल वैनल सब निकल गया, सीट वीट निकल गया, उसके बाद एकदम बेहतरीन से देखते हैं, आते रहेंगे, गाड़ियों का तो काम होते रहेगा अपना। यहाँ पर एक या तो 200F200 है या F250 है, नया बाइक है, 220F है, नया मॉडल है देखो। तो भैया ने अभी ये मतलब 220F लिया है, 220F यस। कितना पड़ा भैया आपको? मुझे पड़ा कि कैश में 128,000 ऑन रोड पे। अच्छा नहीं, मैं नांदगांव से लिया। नांदगांव से लिए? अच्छा, मतलब उसको थोड़ा रखने भी पड़ते हैं ना। हाँ हाँ, रखने मेंटेन अपन करेंगे तो वो भी अपन को मेंटेन करेगा। अच्छा, तो इतना पैसा लगा के गाड़ी लिया। हाँ तो उसके लिए मेंटेन कुछ तो लगेगा ना। तो भैया हमारे पहचान के गांव के ही हैं। और अभी कितना कितना भी गाड़ी चल रही है मेरा। हाँ, हाँ ये जो पल्सर 220 गाड़ी है ना। हाँ वो सबके लिए सफिशिएंट, फैमिली के लिए, यूथ के लिए। अच्छा, सबके लिए सफिशिएंट है ये पल्सर। हाँ ये एवरेज पे एवरेज भी देगा, स्टाइलिश रहेगा एंड होमली गाड़ी। माइलेज टेस्ट किए आप कितना देती मुझे है ये गाड़ी? दे रहे कि 50 दे रहा है अभी। 50 दे रहा है। कितना साल हो गया आपको लिए? ये लगभग 2 ईयर्स हुआ। कितना? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स, 2 साल हो गया भैया को। और फिर भी इतना 2 साल में इतना कंडीशन एकदम बढ़िया रखे भैया, बहुत मान। इसमें 4-5 बार विशाखापट्टनम जाके आ गया हमारे बाय रोड यहाँ से। अरे बहुत बेहतरीन। और कुछ जैसे कोई जैसे आपको कोई टूरिंग वूरिंग में कुछ प्रॉब्लम दिक्कत तो हुआ नहीं जब जाते आज तक गाड़ी में? कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, एक मतलब 3-4 बार हुआ कि वो पंचर गाड़ी का। अच्छा, उसके बाद कोई कहानी नहीं। पंचर तो होते रहता है, वो तो नॉर्मल गाड़ी लिए तो होते रहता है। I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. यहाँ तो गाड़ी यहाँ पर पलटा गया भाई, देखो नीचे से पूरा भाई साहब पूरा साफ ऑफ करना पड़ेगा एकदम। अंकल वो मेन स्टैंड पे रख के नहीं होता है क्या? नहीं, पेट्रोल पूरा गिर जाएगा। अच्छा, तो भाई इसका भी एक कारण है लटाने का, अगर अपन खड़ा खड़ा अपन जैसे मेन स्टैंड में लगा के करेंगे तो फ्यूल गिर जाएगा। ठीक है, फ्यूल निकल जाएगा वहाँ से, तो अभी उसके लिए क्या कर सकते, फ्यूल पूरा निकाल के डाल सकते हैं। मगर यहाँ पर कट टू कट मैकेनिकल में यहीं मैकेनिक के पास आप जाओगे, उनके पास ये सब काम करने का टाइम नहीं रहता, डायरेक्ट गाड़ी लेटा स्क्रैच वैच आएगा भाई मेरे क्या बोलते हैं साइलेंसर पे। मगर कोई बात नहीं, देखते हैं उसका अच्छे से पोचेंगे, बढ़िया से पॉलिश वॉलिश करेंगे। देखो यार वायरिंग इधर एक बार ना भाई, गाड़ी का फुल सर्विसिंग कराएंगे अपन मस्त से। ड्रम ब्रेक लगाया भाई यहाँ पर, ड्रम ब्रेक भाई एक बार भी हुआ नहीं है। देखो टैप यहाँ पर अंकल लगा रहे हैं,
होगा। जब भी आपको टैप ऐसे चेंज करना है तो गाड़ी को लटा के करें और वहाँ पर दो स्क्रू है उसमें निकलेगा। ये ओजी पार्ट है, इसको संभाल कर रखेंगे, देखते हैं उसका क्या है। अंकल ये गाड़ी का सर्विसिंग के लिए कितना लगेगा? वही सर 300 रुपये इसका भी चार्ज है। इसका भी सेम 300। हाँ तो क्या सर्विस चार्ज बराबर है सबका, जो सामान लगता है ना हाँ उसमें होता है। अच्छा सामान लगने वाला है गाड़ी में। अच्छा अच्छा तो सर्विस चार्ज में पूरा गाड़ी का ऊपर से नीचे सब चेक होगा ना? हाँ। तो अंकल का शॉप यहाँ पर सेक्टर 4 मार्केट में है, दुबई बेकरी आपको मालूम होगा, वहाँ से सीधा सीधा पाओगे तो मेन रोड में आपको दिखेगा बहुत। और अंकल के पास एक्सपीरियंस। अंकल आप सुजुकी कब से, मतलब ऐसा बाइक, पुराने बाइक, 2-स्ट्रोक बाइक, कितना साल हो गया एक्सपीरियंस? 93 बोले तो 93 से 2002 तक एजेंसी काम किया। अच्छा इसका 2002 से एक खुद का मेरा वर्कशॉप है। ओहो एक अकेले एक ही शोरूम में काम किया था मैंने। हाँ है ना कैलाश मेरा टी वी सुजुकी का जो शोरूम था वहाँ पे काम किया। अरे 93 से 2002 तक, 2002 से ये खुद का है। खुद का फिर बढ़िया सा। वहाँ का अंकल टेक्निक और यहाँ का टेक्निक अलग रहता है ना एकदम? हाँ जो शोरूम में अलग टेक्निक से शोरूम में बात करने वाले आदमी की बात करने का तरीका अलग रहता है। अच्छा और बाहर से जो उसका ये रहता है अगर वो उसके अंदर में नहीं आया वो आदमी हाँ है ना तो उसके हिसाब से अलग काम होता है, वो काम करने का तरीका में अंतर हो जाता है। तो देखो भाई शो काम करना है, कैसे काम करना है, कितना टाइट करना है, ये सब अंतर रहता है। पेट्रोल कम है क्या गाड़ी में? हाँ पेट्रोल कम है, मैं क्या लीक हो रहा था करके निकाल दिया। अच्छा अच्छा हाँ हाँ अभी इसमें पेट्रोल डालना है आपको है ना? हाँ मैं घर जा हाँ। है आधा इतना बॉटल मतलब 200 ml तक तो है ही, पेट्रोल अभी नहीं आ रहा है। हाँ ये इसमें आना है इसको पेट्रोल। हाँ है ना ठीक है अंकल। हाँ कुछ होगा तो मैं फिर ला ही दूंगा वापस। बिल्कुल 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 पेट्रोल नहीं आ रहा क्योंकि है ना। अच्छा ये कट गया है ये तो मैं थोड़ा कटिंग कर देता हूँ ये दे पाइप। हाँ हाँ ठीक है ठीक है अंकल। ये तो मैं सही कटिंग करके सही प्रेस कर देता हूँ उसको मैं। तो अंकल ये एक बार भी अभी तक खुला नहीं है एकदम 24 साल में। नो ये तो बिका भी यही नो प्रॉब्लम बाइक के नाम से। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बाइक समुराई नो प्रॉब्लम। बचपन की यादें, हम तो इतने छोटे थे पापा बैठा के निकल जाते थे हमें तो हमें प्यार है भाई बाइक से इसी से। हम जान फूकना चाहते हैं इसमें एकदम फूल। अंकल कोई अभी आर एक्स वार एक्स मिलेगा क्या आसपास में? बहुत टफ है क्या मार्केट में? और सुजुकी? सुजुकी कुछ कुछ मिलता है ऐसा नहीं है, इजी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा जो है जिनके पास में है बहुत ध्यान से चला रहे हैं। ठीक है ठीक है ओके। मैं ही डर गया था वहाँ पे जब बंद हुआ ना। बंद भी हुआ था? हाँ बंद हुआ था ना वहाँ। अच्छा चौक में तो इसी पेट्रोल है कि नहीं है पड़ेगा ना तो फोन गिरेगा। ओरिजिनल चाबी बाइक का, ओरिजिनल चाबी अपने पास, मस्त कॉपीराइट पड़ेगा अभी देखना। आज बजवान में ये है पेट्रोल। रहने दो अंकल, रहने दो वैसे जाएंगे। ये क्या चीज का है? कैमरा है? हाँ अच्छा सेटिंग चल रहा है शूटिंग। हाँ यूट्यूब के लिए। ढक्कन तो भूल गया तो कहाँ से रुकेगा? तो अभी पेट्रोल भर गया अपन जाते थोड़ा एक बार देख लेते चला के।
तो भाई साहब ये है फ्यूल टैप और ये यहाँ से पूरा डैमेज हो चुका है, पता नहीं कैसे हुआ है, शायद कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में। जो आपको ये दरार दिख रहा है वो स्क्रू पूरा छोड़ दिया है, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए। देखो दूसरे साइड देखो, जैसे ऐसा रखा है ना सील एकदम फोकस। हाँ बेटा ये देखो, तो जी हाँ ये है भाई। 24 इयर्स के बाद सिर्फ ये वाला प्रॉब्लम आना, और मतलब वो चल रहा है सब, इसका फ्यूल व्यूल टाइप चल रहा है, मगर ये यहाँ से पूरा लीक हो रहा है, यहाँ पर सील यहाँ पर पूरा वो हो गया है। वाकई नो प्रॉब्लम बाइक है भाई, एकदम एक नंबर चल रही है। उसका फ्यूल अपन ऑन और रिजर्व में रखे हैं, किसी दिन हम इसका माइलेज टेस्ट करेंगे कि अभी भी कितना माइलेज देती है, उस टाइम कितना देती थी और इस टाइम कितना देगी। और उस वीडियो के लिए आप ज़रूर वेट करिए, रेडी रहिए, आएगा ज़रूर। और जिसको भी भाई वीडियो पसंद आया भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूले भाई, आपको कैसा लगा गाड़ी। 2-स्ट्रोक इंजन है और सब्सक्राइब करें तो अपन को दिल में मस्त लगता है भाई, मेहनत लगी है, पसीने छूट गए भाई अब भाई की। तो या मिलते हैं अगले वीडियो में। I've been counting down the days to get out.